लगता है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप बताइएगा के मिश्रा जी। देखिए राहुल गांधी जी के बारे में हरि अनंत हरि कथा अनंता, राहुल गांधी जी को समझना ना उनके परिवार वाले समझ पाते हैं, ना उनकी पार्टी वाले, ना विपक्ष और ना देश की जनता। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, चांद का कुर्ता, एक कमेंट लिया, अब तू यही बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिगोला जो हर रोज बदन में आए। इतना बदलते हैं, अभी ये बोल रहे थे कि जी हम कोर्ट नहीं जाएंगे, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज अब ये कोर्ट जाने के लिए टाइम भी इन्होंने व्यतीत कर दिया, 2 दिन का शॉर्ट पीरियड रह गया है। रही बात अगर ये कोर्ट में भी जाएंगे, जिस हिसाब से लोअर कोर्ट वगैरह से डिसीजन हुए हैं, हायर कोर्ट भी ऑलमोस्ट उसी को फॉलो करती है, तो चीजें तो राहुल गांधी जी के निगेटिव है। इधर खाई खाई और कुआं, मतलब आगे खाई पीछे कुआं है। कोर्ट से अगर राहत मिल जाती है तो भी इमेज को इनको डेंट लगेगा कि देखो जी कोर्ट चले गए, थूक के चाट लिया। नहीं जाते हैं तो आगे खाई तो है ही, तो इनको तो दोनों ही परिस्थिति में नुकसान होना है। और इतने नुकसान के बाद राहुल गांधी जी अगर 2024 में चुनाव लड़ भी लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जब आपकी इमेज ही नहीं रही। अभी कोई व्यक्ति हमारे साथ बोल रहे थे मानहानि, अरे भारत में मान को इज्जत को सबसे बड़ी चीज समझा जाता है। लोग बोलते हैं दौलत चली जाए, शरीर चला जाए, प्राण जाए, पर हमारा इज्जत हमारा मान सम्मान नहीं जाना चाहिए, और आपने मान सम्मान को ठेंगे पे रख दिया है। तो इस तरीके से भारत में राजनीति नहीं होगी। भारत की राजनीति का जो बेस है, जो ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल जाए या ना जाए बीजेपी की बल्ले बल्ले है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल चले जाए या ना जाए बीजेपी की बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं? नहीं, दोनों तरफ से राहुल गांधी को नुकसान है, कांग्रेस बल्ले बल्ले बीजेपी, ये वो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को हर परिस्थिति में नुकसान है। ठीक है, यानी जी आपने